राज भाई थोड़ा सा आगे करा। राज भाई थोड़ा सा यह है कि किसान और मजदूर दोनों आज परेशान हैं और ये पूरा का पूरा विषय एक थोड़ा सा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि लोगों को गरीबों को अनाज सस्ता मिलता है पीडीएस के माध्यम से और उस अनाज के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लोगों से अनाज खरीदा जाता है, धान खरीदता है, गेहूं खरीदा जाता है और वही पीडीएस के माध्यम से बांटा जाता है। मौजूदा सरकार उसके पक्ष में नहीं है, वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहती है जिससे कि बुनियादी तौर पर जो हमारा हमारे देश में फूड इंडेक्स है वो वैसे ही बहुत कम है, पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, उसमें भी अगर आपने कैश देना चालू कर दिया तो और भी उसमें गिरावट आएगी। इसलिए पीडीएस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये दोनों जुड़े हुए मसले हैं और ये सारा प्रयास जो सरकार का है वो पीडीएस समाप्त करने का है और एमएसपी समाप्त करने का है, इसलिए विरोध हो रहा है। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आज यहाँ पे 3 बच्चों का शव मिला है जो लगातार बिगड़ती जा रही है। अब ये तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के बारे में मैं क्या कहूँगा, नहीं है कि चिंताजनक है।